किंग्स फ्रॉम चेन्नई हैव अराइव्ड इन द यूएई, जोर से दहाड़ा ये शेर और सामने वाली टीम को कर दिया ढेर। मुंबई भाई ये रुकने का नाम ना लेने वाले क्या कमाल का मुकाबला जीता शारजा के मैदान पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु। कहानियां तो बहुत सारी हैं क्योंकि यहां तो मतलब तीन तीन मुकाबलों की बात करनी है, धमाकेदार रोचक रविवार में। आज हमने देखे दो दो मुकाबले किस किस के थे। सबसे पहले तो हमने देखा मुंबई को कमाल करते देखा। एक्चुअली नॉर्मल सर्विस रिज्यूम्स, एक आधा मैच हारते हैं फिर वापसी कर लेते हैं, पर इस मैच में हालांकि देखा जाए तो पिछला भी जीते थे और ये भी जीते हैं। पिछले मैच में रोहित ने रन बनाए थे इसलिए जीते थे, पर इस मैच में बिना रोहित के भी जीत गए। आई मीन ये क्वालिटी है, ये पेडिग्री इस टीम के अंदर। और सामने हैदराबाद को देखे तो एक परेशानी तो थी कि नहीं थे उनके पास भुवनेश्वर कुमार। मेन्यू दिखा दूं फटाफट से फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। मुंबई अनस्टॉपेबल, कैस्टल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर दैट गेम, द गेम बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद, देन वी विल गो टू दुबई और दुबई में मिलेंगे हमें चेन्नई का स्टनिंग कमबैक। मतलब तीन मुकाबले आप लगातार हार गए लेकिन उसके बाद आई मीन वॉटो ने वाटी लगा दिया, ही वाज ब्रिलियंट। देन कैस्टल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर दैट गेम बिटवीन पंजाब एंड चेन्नई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाम के मुकाबले की करनी है बात जो कि है मंडे को। तो मैनिक मंडे बनाने का इसका हमारा प्लान है। तो वील टॉक अबाउट बेंगलुरु जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और सामने है दिल्ली, ये भी खिलाड़ी है धुरंधर दिलेर है दिल्ली, और एंड ऑफ द डे वील बी टॉकिंग अबाउट कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर दैट गेम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, टीम में कोई बदलाव नहीं। ये खास बात इस बार मुंबई के कैंपेन की रही है कि सिर्फ एक बदलाव देखा है हमने पहले पांच मुकाबलों में, एंड दैट टू वाज अ फोर्स चेंज। सौरभ तिवारी की चोट लगी, ईशान किशन आ गए, अब आ गए तो जाने का नाम नहीं ले रहे, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्विंटन डीकॉक के ऊपर थोड़े से सवाल थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, दे स्टक विद हिम एंड ही वाज वेरी वेरी गुड। और यही होता है, क्लास जो है ना इट कम्स टू द फोर, इफ नॉट ना अ लिटिल लेटर, बट आती जरूर है। रोहित जल्दी आउट हो गए संदीप शर्मा की गेंद पर, सामने बदलाव ज्यादा थे, भूवी नहीं थे ना, अगर भूवी नहीं है खलील अवेलेबल नहीं है तो फिर यू गॉट टू मेक द चेंजेस। तो उन्होंने चेंजेस जरूर किए, थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं, बट देन यू कांट डू मच अबाउट इट। उसके बाद क्विंटन डीकॉक एक तरफ खेलते रहे, सूर्य कुमार यादव छोटी सी पारी थी बड़ी, पर बड़ी मतलब दिल को छूने वाली पारी थी, बहुत अच्छा खेलते हैं सूर्य कुमार, वो आउट हुए, चौके वाली बॉल थी एक्चुअली, ऑन एनी अदर डे इट वुड हैव बीन अ फोर, पर कोई बात नहीं। उसके बाद आए ईशान किशन, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो भी बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं, क्विंटन डीकॉक एक तरफ से चलते जा रहे हैं, और बीच में राशिद खान आते हैं वो खामोश रखते हैं, केन विलियमसन आते हैं वो भी कोशिश करते हैं, सो वार्नर इज रोटेटिंग हिज बॉलर्स एंड ऑल ऑफ दैट, पर अंत में आता है मतलब पावर प्ले, पंड्या पावर, पोलार्ड पावर, और टोटल को अंत में ले जाते हैं 200 के पार। बट इट वाज नॉट जस्ट अबाउट करण पोलार्ड एंड हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या वो जो चार बॉल में 20 रन, दैट वाज द डिफरेंस इन द एंड। जरा सोचो क्योंकि 208 नहीं बनते, फिर बनते मान लो 195, और 195 तो चेज हो जाते हैं इस मैदान पर बड़े आसानी से ज्यादातर। तो फिर जब बारी आई सामने वाली टीम की, उन्होंने पिटाई करनी शुरू की, बेस्टो वार्नर अच्छी ताबड़तोड़ शुरुआत, जिसमें बेस्टो वॉज दी अग्रेसर, फिर वो आउट हुए, फिर उसके बाद आते हैं पांडे जी भी ताबड़तोड़ शुरुआत, फिर वो आउट हो जाते हैं, और फिर आते हैं विलियमसन का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था जो बोल्ट ने चटकाया, वार्नर भी आउट हुए, उसका प्रियम गर्ग को कृणाल ने आउट किया। एंड इन द एंड मतलब एंड में देखे तो बड़ा कंफर्टेबल विन हो गई क्योंकि एक टीम 208 बनाती है और इस मैदान पर अगर आप 15-20 रन से मैच जीत जाएं तो आप कहते हो सर क्या बात है बहुत बढ़िया। तो इनकी तो काफी बड़े मार्जिन से विक्ट्री हुई, पर एक शाइनिंग स्टार था, नाम है उसका अब्दुल समद, और ये खिलाड़ी दूर जाएगा, इसके पास वो एबिलिटी है छक्के लगाने की, बुमराह को उन्होंने इतने अच्छे शॉट लगाए यार, आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड। सो वेल डन अब्दुल समद। हैदराबाद ऑफ कोर्स इंजरीज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, होपफुली दे विल बी बैक एंड दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, पर मुंबई रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिस इज द ऑलमोस्ट टॉप टू टीम्स, मतलब इस समय पॉइंट से वो ऊपर है पर दिल्ली उनसे ज्यादा दूर नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैन टू मैन मार्किंग। कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद, आई एम गोइंग विद क्रुणाल पंड्या, सीनियर पंड्या, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए तो चार ही गेंदें बची थी, आई मीन चार गेंदें बची हैं, आपका स्ट्रांग फिनिश नहीं हो पाता तो फिर आप फंस जाते, थोड़ा सा आपका मोरल डाउन हो जाता। चार गेंदें यार, चार गेंदों में 20 रन, दो छक्के दो चौके, आई मीन 500 के स्ट्राइक रेट से तो आपकी टीम जहां कहीं पे, क्योंकि इसी मैदान पे हमने दिल्ली को कुल 7 रन बनाते देखा था आखिरी ओवर में,
और ये हो सकता था ऐसे ही हो जाए कि एक विकेट गिर गई है ऑलरेडी, और उसके बाद मतलब जूनियर पंड्या आउट हो गए थे, हार्दिक आउट हुए, तो हो सकता है कृणाल आउट हो जाते या फिर नहीं मार पाते, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि पोलार्ड दूसरे छोर पे हैं तो सही, पर उनको बॉलें कम मिल रही है, अभी भी 13 बॉलें खेलने को मिली, ही वॉज एक्सेप्शनल, बट मेरे हिसाब से द गेम चेंजिंग मोमेंट वॉज दैट 20 रन ओवर, और उसके बाद एक उन्होंने विकेट भी चटकाई प्रियम गर्ग की थी, एंड इन दी एंड दे वन द गेम यार, यही तो कहानी है। सो केपी को मैंने बनाया अपना कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद। अब चलते हैं वहां से, आ जाते हैं शारजा से, आते हैं हम दुबई की तरफ। दुबई में दो किंग्स खेल रहे हैं, लेकिन किंग्स तो तभी हैं जब मतलब आपका थोड़ा राज हो, इस समय राज नहीं चल रहा था, दोनों टीम 4 में से 3 हार के यहाँ पहुंची, धोनी की टीम पे सवाल उठ रहे हैं, सामने वाली टीम पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लोज मुकाबले हारा पंजाब, और चेन्नई तो कह सकते हैं कि बहुत एक तरफा ही हो गए थे अंत में मुकाबले, लग रहा था कि पास हो, लेकिन अब पास थे नहीं। सो अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द सीनियर साइड, अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आप पंजाब की तरफ देखें तो पंजाब ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, 3-3 बदलाव किए, नहीं खिलाया करुण नायर को, नहीं खिलाया अपना कृष्णप्पा गौतम को, जिमी नीशम को छोड़ दिया उन्होंने बाहर की तरफ, खिलाया किस किस को, क्रिस जॉर्डन को मौका दिया, हरप्रीत बरार को मौका दिया, दैट वॉज अ चेंज, एंड मनदीप सिंह, तो 3 बदलावों के साथ उतरे टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। बड़ी सपाट पिच थी यार, बहुत सपाट पिच थी, चेन्नई ऑफकोर्स कोई बदलाव नहीं किया, उस सपाट पिच पे मयंक अग्रवाल अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेले केएल राहुल भी, निकोलस पूरन वाज आउटस्टैंडिंग, पर मुझे जो लगता है कि दे वर एटलीस्ट 15-20 शॉट, जस्ट नॉट बिकॉज कि मतलब पिच सपाट थी या मैदान बड़ा था, कुछ भी था, पर कैपेबिलिटी है उस टीम के अंदर, जो हिटिंग एबिलिटी है, तो अगर आपके सिर्फ 4 ही खिलाड़ी आउट होते हैं तो उस टीम में उतना मादा है कि वो 190-200 के पास पहुंच जाए, पर पहुंचे नहीं। एंड में शार्दुल ठाकुर वॉज एक्सेप्शनल, 2 बॉल में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं, पहले निकोलस पूरन, उसके बाद केएल राहुल, सेट केएल राहुल, दोनों ही सेट बैट्समैन थे, और उसकी वजह से शायद थोड़ा सा पुल बैक हो गए, और उसके बाद जब आए शेन वॉटसन, बन गए शेर वॉटसन, साथ में थे फैफ डुप्लेसी, और सिंगल हैंडेडली मैन, ये क्या था, मतलब अभी तक तो हारे जा रहे थे, लेकिन जब जीते हैं तो फिर 10 विकेट से मुकाबला जीत गए, मतलब वन साइडेड मुकाबले की क्या जो डेफिनेशन होती है, दिस वॉज दी मोस्ट वन साइडेड गेम इन द टूर्नामेंट दस फार। तो फिर इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग के अंदर वॉटो ने किया कमाल, वाट लगा दी सामने वाली टीम की, फैब डुप्लेसी वाज एब्सोल्युटली फैंटेबुलस, एंड चेन्नई आर बैक ऑन ट्रैक, 2 विंस आउट ऑफ 5 गेम्स। कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन पंजाब एंड चेन्नई, देयर इज नो प्राइजेस फॉर गेसिंग फॉर दिस वन, बहुत बड़ा सिंपल है, शेन वॉटसन, शेन वॉटसन के ऊपर सवाल थे, शेन वॉटसन के जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि इतने समय से खेले नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट, अच्छी शुरुआत नहीं मिल रही, आगाज अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चल रहे हैं, उससे ज़्यादा दबाव बाद में आता है, इन्होंने जो आज इंटेंट दिखाई ना, जिस तरीके से इन्होंने पिटाई करनी शुरू की शुरुआत से, आई मीन पिच अच्छी हो या ना हो, लेकिन आप 200 का पीछा कर रहे हैं, और पीछे आपके रन नहीं है, उसमें जिस तरीके से वो शॉट लगाते गए, और उसके बाद भूख नजर आई कि मतलब वही है ना कि क्लास है यार, मतलब बहुत समय की क्लास है, तो वो ये वाला स्टॉक है जो हर साल आपको डिविडेंड देता रहता है, अभी तक नहीं दिया था इस साल, पर इस साल काम किया, बहुत अच्छी बैटिंग की वॉटो ने, साथ में बहुत अच्छी बैटिंग की फैफ डुप्लेसी ने, पर कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन चेन्नई एंड पंजाब, आई एम गोइंग विद शेन वॉटसन। ये मुकाबला है जी दिल्ली और बेंगलुरु का, नॉर्थ वर्सेस साउथ, दोनों टीम्स 3-3 मुकाबले जीत चुकी हैं, एक टीम से उम्मीद नहीं थी वो थी बेंगलुरु, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि ये टीम उतनी अच्छी नहीं है, नहीं करेगी और व्हाटएवर एल्स, पर इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अभी तक दे बीन वेरी वेरी गुड, और दिल्ली जिससे उम्मीद थी कि अच्छा करेंगे, एंड दे हैव एक्चुअली लिव्ड अप टू दैट रेपुटेशन, पिछला मैच दिल्ली कोलकाता को हरा के आई है, और अगर बेंगलुरु की बात करें तो राजस्थान को धूल चटा के आए हैं, तो इट्स बीन अ वेरी वेरी गुड कहते ना स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट फॉर बोथ द टीम्स, या कुछ बदलाव की गुंजाइश है, आई वोंट चेंज अ थिंग मैन, इनफैक्ट अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता हूं तो मैं कहूंगा मत करो कुछ भी बदलाव, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, अश्विन का पिछला मैच अच्छा नहीं था पर वो इंजरी के बाद आए थे, तो आप उनके साथ बने रहिए, वो अच्छा डालेंगे, तो मैदान भी बड़ा है, सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी मिलेंगे, दिव्यत पाड़ीकल मिलेंगे, उसके बाद शिवम दुबे मिलेंगे, हो सकता है आप मोइन अली को इस मैच में खिला लो तो वो भी दर नजर आएंगे, तो फिर आप वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, तो देर क्वाइट अ फ्यू लेफ्ट हैंडर्स, तो आप अश्विन को जरूर खिलाएं, मिशी के साथ आप बने रहें, बड़ा ये मैदान है, रबाडा इज ब्रिलियंट, नोकिया इज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट, आपके पास मार्कस स्टॉइनिस भी हैं, टीम तो यार बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई डाउट है नहीं, हर्षव पटेल ने भी पिछले मैच में बहुत अच्छा काम किया था, और पिछले मैच में सब बेबाक अंदाज में भी खेले थे, अब क्या बैंगलोर को कुछ बदलाव की गुंजाइश है, जरूरत है,
नॉट एट ऑल एक्चुअली. क्रिस मॉरिस को आप खिला सकते हैं अगर मन करे तो, कि आप क्रिस मॉरिस को खिला लीजिए. और अगर आपका मन करे तो आप जैम्पा की, मतलब जैम्पा की जगह, सिर्फ एक वही जगह है कि जैम्पा की जगह आपका मन करे क्योंकि सामने वाली टीम में तीन तीन लेफ्ट हैंडर है, तो आप मतलब मोइन अली को भी खिला सकते हैं. आई मीन दैट्स अ चॉइस, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ गेम चेंजिंग चॉइस. तो दोनों ही टीम्स बराबरी पे खड़ी हैं. थोड़ा सा पल्ला जो है बाद में बताऊंगा किसका झुका हुआ है. और कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, आई एम गोइंग टू गो विद द लेफ्ट हैंडर जिसका मतलब कल बर्थडे भी था और अब एक साल मच्योर होके एक साल ओल्ड होकर आने वाले हैं. विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आई एम गोइंग विद ऋषभ पंत. मुझे लगता है कि जब वो कोहली की टीम के सामने जाएंगे तो थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेंगे. श्रेयस अय्यर से भी मुझे वही उम्मीद है, पर पंत की तरफ मैं जा रहा हूँ क्योंकि चहल होंगे, हो सकता है जैम्पा भी हों. बोलिंग में दम उतना नहीं है इस टीम में, दे बीन डूइंग वेल पर एज अ यूनिट, पर मतलब वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, पर ये टीम में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत विल बी ऑल राइट. टॉस जीत के बैटिंग कीजिए और मे बी 200 का स्कोर बनाइए. बट आई एम गोइंग विद दिस प्रेडिक्शन दैट पंत इज गोइंग टू बी माई कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर. और अगर आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको एक कॉन्टेस्ट खेलना है, तो क्विकली हेड टू कैस्ट्रोल एक्टिव फेसबुक पेज, वहां पर आपको जस्ट प्रिडिक्ट करना है. एंड इफ यू गेट द राइट प्रिडिक्शन, यू स्टैंड अ चांस टू विन योरसेल्फ अ गुडी फ्रॉम कैस्ट्रोल एक्टिव. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. अब शायद आपको अंदाजा हो गया कि हु एम आई प्रिडिक्टिंग फॉर दिस गेम एज अ विनर. आई एम गोइंग विद दिल्ली. दिल्ली एक बार फिर दुरुस्त. और जो बेंगलोर की टीम है उसके मतलब मुझे लग रहा है कि वो क्वालिफाई करेंगे अंत में. दैट्स वॉट आई हैव बीन सेइंग ऑल दिस वाइल. पर फॉर दिस वन गेम आई एम गोइंग विद दिल्ली. अब देखते हैं क्या होता है, कोहली की टोली कमाल करेगी या फिर दिल्ली एक बार फिर दुरुस्त होके हम सबको हैरान, सामने वाली टीम को परेशान करेगी. अभी के लिए इतना ही. अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए. और आज मैं आपकी मुलाकात करने वाला हूँ दिल्ली के कप्तान से. दिल्ली का कप्तान इज गोइंग टू बी विद यू गाइस एट 12 noon. तो फिर माइंड इट, बैट एंड बोल पे आने वाले हैं. म्यूचुअल फंड्स प्रेजेंट्स बैट एंड बोल. श्रेयस अय्यर, दिल्ली का कैप्टन, इज गोइंग टू बी इन अ फन लविंग चैट विद मी ऑन दिस चैनल एट 12 noon IST.